मजदूर संगठन ने अवैध फाइनेंसर पर एफआईआर दर्ज करने व गिरफ्तारी की एसपी से की मांग। मजदूर संगठन इफ्टू नेता कॉमरेड पीपी कपूर ने आरोप लगाया है कि पानीपत की श्रमिक बस्तियों में फाइनेंसर लूट का धंधा पुलिस संरक्षण में बेरोक टोक चला रहे हैं। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से अवैध फाइनेंसर के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग की है। कॉमरेड पीपी कपूर ने बताया कि मजबूरी में गरीब मजदूर बाहुबली अवैध फाइनेंसर के चंगुल में फंस जाते हैं और सारी जिंदगी निकल नहीं पाते। भारी शोषण के शिकार मजदूर की पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती, उल्टा फाइनेंसर का पक्ष लेती है। पश्चिम बंगाल निवासी मजदूर आलमगीर पुत्र सैफीदीन ने बताया कि उसने अवैध फाइनेंसर प्रेम सिंह के खिलाफ एसपी पानीपत को गत 4 मई को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन औद्योगिक सेक्टर 29 थाना की पुलिस फाइनेंसर के मिलकर उसी पर दबाव बना रही है। पानीपत में पुलिस की देखरेख में सेक्टर थाना 29 पानीपत के पुलिस की देखरेख में अवैध फाइनेंसर पूरा मजदूरों को लूटने लग रहे हैं। ये एक उदाहरण है, आलमगीर जिसको एक फैक्ट्री जिसने 20,000 रुपये लोन लिया था एक प्राइवेट अवैध फाइनेंसर से, आज तक ये 1,57,000 रुपये दे चुका है और अभी उससे 1,20,000 रुपये और मांगने की उससे धमकियां दी जा रही हैं। और ये एसपी साहब पानीपत को भी मिल चुका है, 4 मई को दरखास्त दी थी, आज करीब 15 दिन बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 सेक्टर पानीपत की पुलिस जो है इस पर ही दबाव बना रही है और फैक्ट्री जो मालिक है जो अवैध फाइनेंसर प्रेम लाला वो इसको कमरा खाली कराने के लिए भी दबाव बना रहा है। जबकि आलमगीर ने बताया कि करीब 3 साल पहले उसने मात्र 20,000 रुपए फाइनेंसर से ब्याज पर लिए थे, इसके बदले वह 1,57,000 रुपए दे चुका है, फिर भी फाइनेंसर दबाव बनाकर उससे 1,21,000 बकाया मांग कर रहा है व जान से खत्म करने की धमकी दे रहा है। इस फाइनेंसर की कॉलोनी के क्वार्टर में रह रहे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर धमकियों के खौफ के कारण वह पिछले 1 महीने से कहीं छिप कर रह रहा है और अब दबाव बनाने के लिए किराए का क्वार्टर खाली करने की धमकियां भी मिल रही हैं, जबकि लॉकडाउन में कोई दिहाड़ी मजदूरी मिल नहीं रही और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। परेशानी यह था, मैं 3 साल पहले 20,000 रुपये लिया हूँ, 20,000 में से मैं 18 महीना इसको 2,000 रुपये दे चुका। किससे लिए थे पैसे? प्रेम लाला से, प्रेम कॉलोनी है पसीना रोड पे, इससे लिया था और उन्हीं की कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ। 18 महीना 2,000 रुपये दे चुका हूँ, उसके बाद फिर जा कर के नहीं दे पाने के बाद 55,000 रुपये बनाए, फिर मैंने 13 महीने तक 55,000 के 5,500 दे चुका हूँ। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मैं नहीं दे पाया 55,000 के वो 1,32,930 रुपये बनाए, जिसमें से 50,000 दिया था, फिर 82,930 रुपये रह गया। इसका अब वो मुझे कह रहा है कि 1,21,000 रुपये है। अब मैं काम धंधा भी नहीं है और ऐसे वो मुझे तंग कर रहे हैं। एक दिन मुझे वो बिठा लिया, बिठाने के बाद फिर पुलिस चौकी में रिपोर्ट करवाई, फिर पुलिस ने मुझे छुड़वाया वहाँ से। बच्चों समेत रह रहे हो क्या? बच्चे समेत रह रहे थे, बच्चे भी है मेरे उसी कॉलोनी में। अब जो डरा धमका रहा है मुझे, मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरी फैमिली उसकी कॉलोनी में है, अब कह रहा है कि कमरा खाली करो, ये करो वो करो। सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।